हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके सामने आई हूँ बहुत दिनों बाद। यस, आई नो कि बहुत बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है कि मैंने कोई ब्लॉग अपलोड नहीं किया है और मैं आप लोगों के सामने नहीं आई हूँ। सो यस, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम जस्ट बिकॉज कि मेरा बहुत हैक्टिक शेड्यूल चल रहा था और मेरी तबीयत अभी भी, जैसे आप देख सकते हैं, कि ऐसी ही है। सो इट्स लाइक कि मेरे पास शूट किया हुआ काफ़ी कुछ है, काफ़ी कुछ। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं भी जाके आई हूँ दुबई। यस राइट, आई वॉज इन दुबई फ्रॉम लास्ट 10 डेज और उसके बाद मैं बैक टू ग्वालियर हुई हूँ 27th को। सो यस, इट्स वॉज लॉन्ग ब्रेक फ्रॉम माई व्लॉगिंग। मैं शॉर्ट्स अपलोड कर लेती थी बट मेरे व्लॉग्स नहीं आ पाते थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए सॉरी, एंड सेकेंड, अब मैं आपके सामने सारे व्लॉग्स अपलोड करूँगी और मैं आपको सब कुछ दिखाऊँगी, मेरा दुबई ट्रिप भी, मेरा मेकओवर भी, एंड एवरीथिंग वॉट एवर हैपन इन दुबई। मैंने क्या मस्ती की, मैंने दुबई में क्या किया, क्या नहीं किया। लेकिन उससे पहले दुबई की व्लॉग मैं अपलोड करूँ, उससे पहले आई वॉज थिंकिंग कि मेरा पुराना जो व्लॉग शूट किया हुआ पड़ा हुआ है काफ़ी टाइम से, एक्चुअली दुबई जाने से पहले मैंने उसको शूट करके रख दिया था, लेकिन एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा था। थोड़ा मैंने उसको एडिट किया भी, फिर वो रह जाता था, फिर मेरी आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही थी तो मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाती थी, उसकी वजह से मैं उस व्लॉग को अपलोड नहीं कर पाई। सो चलिए, सबसे पहले मैं आपको पुराने कुछ दिनों के व्लॉग्स दिखाऊंगी। मतलब ये एक दो दिन कंटिन्यूस तो आपको पुराने व्लॉग्स देखने को मिलेंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी मेरी दुबई टूर की जर्नी। सो रोज़ एक एक दिन दुबई टूर का आपको एक व्लॉग देखने को मिलेगा एंड आई होप कि आपको वो व्लॉग पसंद आएगा। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आएंगे तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को मेरे व्लॉग को लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो चलिए, अभी सबसे पहले पुराना, एक महीने पुराना व्लॉग देखते हैं जहाँ पर मैं जहाँ पे हुई थी भूमि पूजन। एग्जैक्टली, सो भूमि पूजन अराउंड एक महीने पहले ही हुई थी। सो भूमि पूजन का ब्लॉग अभी अपलोड करना रह गया था। सो भूमि पूजन और उसके एक दो दिन पहले का जो कुछ भी मैंने शूट करके रखा है वो देखते हैं और उसके बाद आगे क्या क्या होता है, क्या क्या शूट मैंने किया है और क्या क्या शूट कर किया है मैंने और क्या होगा, वो सब आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए चल देखते हैं और इन्जॉय करिए अभी आप मेरे ये सारे व्लॉग्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हो गया है नेक्स्ट डे और हम लोग रात को 10:30 बजे पहुंच गए थे ग्वालियर। जी हाँ, हम लोग ग्वालियर पहुंच चुके थे और उसके बाद इतना थक गए थे क्योंकि 2-3 दिन से नींद इतनी डिस्टर्ब सी रह रही थी। सो इस वजह से हम लोग आते ही सो गए और देखिए पूरा ड्राॅइंग रूम ऐसे ही फैला पड़ा है। और वेदर अपडेट में सुबह सुबह मेरे को अपडेट आया कि आज है ग्वालियर में खिली खिली धूप। सो सुबह 8 बजे मैं देखने गई कौन सी धूप है जरा देखूं और अभी हो रहा है सुबह का 10:30 और देखिए कौन सी धूप है। बिल्कुल भी धूप नहीं है, पूरा कोहरा है और इतनी ठंड है कि बस पता नहीं कौन सा वेदर अपडेट है जो धूप बता रहा था। और उस चक्कर में मैंने मशीन में कपड़े लगा लिए, मैंने कहा कपड़े धो लेते हैं, काफ़ी कपड़े इकट्ठे हो गए क्योंकि कल का दिन भी थोड़ा बिजी जाने वाला है। कल घर में कोई पूजा है, कौन सी पूजा है वो आपको आगे अपडेट मिल जाएगा। लेकिन अभी जो है करते हैं काम स्टार्ट, क्योंकि काम काफ़ी फैल जाता है, चाहे आप एक दिन के लिए बाहर जाओ, चाहे 2 दिन के लिए बाहर जाओ या 10 दिन के लिए बाहर जाओ, मुझे ऐसा लगता है कि काम उतना ही फैलता है। सो करते हैं काम स्टार्ट और आगे फिर क्या करते हैं देखते हैं। इधर देखिए, मेरे सारे कपड़े मशीन में धुलने में चले गए हैं। ये सारे मेरे वुलन वाले नाइट ड्रेसेस हैं जो मैं पहनती हूँ, तो मैंने एक साथ डाल दिए ये। और अब मैं जाऊँगी अपनी बालकनी क्लीन करने क्योंकि इनको सुखाने के लिए जगह भी चाहिए ना। ये दूध आ चुका है और अब हम बनाएंगे हमारी चाय भी साथ के साथ, तो साथ के साथ चाय भी बना लेंगे और अभी दूध भी गर्म करने रख देते हैं और साथ के साथ किचन का भी सारा साफ सफाई और सब बर्तन बर्तन जमाने का काम करेंगे। और ये देखिए, मैं लाई हूँ दिल्ली से स्ट्रॉबेरीज क्योंकि स्ट्रॉबेरीज मुझे बहुत पसंद है। सो ये देखिए, मैं दिल्ली से स्ट्रॉबेरीज लेके आई हूँ, मस्त एकदम फ्रेश फ्रेश और एकदम मीठी है ये स्ट्रॉबेरीज।
कुछ तो मैं रास्ते में ही खा गई और कुछ को मैं सोच रही हूँ अभी स्टोर कर लूँ। अभी मैं ग्वालियर से थोड़ी और लेकर के इनको स्टोर करूँगी गर्मियों के लिए, है ना, एकदम मस्त। और बढ़िया, ये देखिए मेरे यहाँ आ रहे हैं छोटे छोटे से टमाटर। कितना प्यारा लगता है ना जब घर में ऐसे किचन गार्डन में कुछ आता है। और ये मेरा गार्डन तो है, ये छोटा सा बालकनी वाला। अभी इसकी ना मेंटेनेंस और केयर तो भी बाकी है, अभी करेंगे। सर्दियों में थोड़े से पौधे ऐसे हो जाते हैं। सो अब मैं आ चुकी हूँ किचन में क्योंकि मुझे बनानी थी चाय। सो यहाँ पे दूध भी मैंने गर्म चढ़ा दिया और मैं करने लगी हूँ चाय की तैयारी। साथ के साथ मेरे पापा का फोन आ गया था तो मैं उनसे भी बात करने लगी, क्योंकि सुबह का टाइम ये रहता है कि हाँ हम लोग एक बार सुबह के टाइम पे बात कर ही लेते हैं। चाय बन रही है और दूध गर्म हो रहा है और किचन के भी साथ के साथ काम जो मुझे करने हैं वो मैं कर रही हूँ। और इधर फोन पे बात करते करते मेरा दूध निकल गया और ये मुझे सबसे ज्यादा बोरिंग और बेकार काम लगता है। जब भी मेरा दूध फैलता है ना किचन में मुझे बहुत गुस्सा आता है। और अब इधर मैं करने लगी हूँ अपने बर्तन को साफ और बर्तन को पोंछ के जमाने से लगी हूँ। तो ये मेरा काम चल रहा है और मैं अपना काम पूरा खत्म करके किचन का फिर दूसरा काम करूंगी। चलिए अब करते हैं यहाँ का सारा काम कंप्लीट। साड़ी भी निकालते हैं अंदर से जो कल सुबह पहनेंगे पूजा के लिए, और ये रजाई वजाई बेड वेड पूरा सेट करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। इधर मैं लग गई हूँ काम पे और ढूंढ रही हूँ मेरे कपड़े जो मुझे पहनने हैं नेक्स्ट डे पूजा के लिए। पहले मैं सोच रही थी मैं साड़ी पहनूंगी पर फिर मुझे ये लहंगा दिख गया, बहुत प्रिटी सा लहंगा, और ये लहंगा मैंने आज तक कभी पहना नहीं था।
न्यू था तो मैंने कहा चलो पूजा है तो लहंगा पहन लेते हैं नया वाला, तो इसलिए मैंने ये वाला लहंगा निकाला है और मैं पहनूंगी ये वाला लहंगा। और मैं कैसे क्या रेडी होंगी वो आपको नेक्स्ट डे के व्लॉग में दिखेगा, तो बने रहिएगा मेरे इस व्लॉग में मेरा लुक देखने के लिए। यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपना बेडरूम का सारा काम कंप्लीट कर लिया है और अब मैंने कपड़े भी ड्रायर में रख दिए हैं और यहाँ पे मैं करने लगी हूँ अपने किचन में बर्तन वर्तन का काम, ये सब कंप्लीट करके निपट के फिर मैं आगे दूसरा कुछ काम करूँगी। सो यहाँ पे मैं लग गई हूँ अपने बर्तन करने। अब बज चुके हैं रात के 9:30। मैं चली गई थी घर पे मम्मी के वहाँ थोड़ी पूजा की तैयारी करवाने, पूजा के सामान वामान सब इकट्ठे करने के लिए, और हिम्मत करके आज मैंने शैम्पू भी कर लिया क्योंकि यहाँ इतनी सर्दी पड़ रही है कि शैम्पू करने के लिए एक अलग से हिम्मत चाहिए होती है, तो वो हिम्मत जुटा के मैंने शैम्पू भी कर लिया। और कल सुबह हमको कितने बजे जाना है, 11 बजे हमको जाना है रेडी होकर के, पहुँचना है मतलब, हाँ 11 बजे हमको पहुँचना है। वहाँ जाने में आधा घंटा लगता है ना, हाँ आधा घंटा लगता है, तो हम लोग मोस्ट प्रॉब्ली 10:30 तक यहाँ से चले जाएंगे और वहाँ पे पूजा में क्या होगा कैसे होगा सब हम आपको दिखाएंगे। और अभी हम करते हैं डिनर, सो अब हम आपसे मिलेंगे कल। सो गाइस गुड मॉर्निंग, मैं उठ चुकी हूँ और अब मैं बस रेडी होने जा रही हूँ। कल थोड़ा सा दही खा लिया था तो खांसी हो गई। सुनो गुड मॉर्निंग कर दो, देखिए ये मोबाइल में लगे हुए इंसान गुड मॉर्निंग तक नहीं कर रहे। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, देखा मैं ना आपको प्रूफ दे रही हूँ गाइस, ये मोबाइल में लगे होते हैं तो सुनते नहीं हैं एक बार में कुछ भी। तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, हाँ तो तुम्हारे मोबाइल की बात हो रही है जो तुमने हाथों से छुपा लिया है, सबने देख लिया कि तुम ना कैसे करते हो मेरे साथ। हाँ सो गाइस देखिए मैं हो गई हूँ रेडी, ये है मेरा लुक, मैं इस तरीके से तैयार हुई हूँ और मैंने पहना है लहंगा पिंक कलर का बनारसी टाइप का। और अभी तक ये रेडी नहीं हुए हैं, ये रेडी होंगे फिर हम चलेंगे। ये भी हो गए रेडी। सो अब बस हम लोग निकलेंगे पूजा के लिए क्योंकि हम लोग हो रहे हैं पूजा के लिए लेट। आज इन्होंने लेट कराया, मैंने नहीं कराया, ऑब्वियसली तुम्हारी गलती क्योंकि तुमने लेट कराया। चलो सो ये है वो प्लॉट जहाँ पे हम लोग गए थे और जहाँ की आज थी भूमि पूजन। सो इसी भूमि पूजन की मैंने आप लोगों से बात कही थी, पूजा की बात कही थी जो मैं आपसे कह रही थी कि पूजा है घर में, सो वो यही है। और ये देखिए ये है मेरी दादी और मेरी बुआ। Hey,
आज बुआ भी हमारे व्लॉग में आ जाएगी, दादी भी व्लॉग में आ जाएगी। दादी तो रोज ले व्लॉग में, हमें तो नहीं बना है यार, एक महीना से इसका पता नहीं क्या हो रहा है, तबीयत भी ठीक ठाक ऐसी चल रहा है इसका। तीन बार कही ओम विष्णु और विष्णु और विष्णु 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 परमात्मने प्रापुरुषोत्तमस्य विष्णुराज्ञे प्रवर्तमानस्य चतुर्थी ब्रह्मणोऽन्ये द्वितीय प्रार्धे तृतीय द्वारा कल्पे सप्तमे वैदिक सम्मान अंतरिक्षाय सत्यतमे युगे कलियुगे करप्तुं जाने अत्र प्रतिज्ञां जम्बूदीपं वन्दे वासुदेवाय। हम पूरा परिवार मिलकर पूजा कर रहे हैं और यहाँ पे पूजा ऑलमोस्ट संपन्न होने वाली है और हम सब लोग मिलकर करेंगे आरती। सॉरी इससे लास्ट वाले वॉइस ओवर में जो मैंने बोला था कि पूजा संपन्न होने वाली है, नहीं तो अभी हवन बाकी था, मैं हवन का बताना भूल गई थी। तो आरती हवन के बाद होगी, तो अभी हम सब बैठ गए हैं हवन में और हवन के बाद हम करेंगे सब लोग आरती।